हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुस्तकबिल के हालात पर खिताबात हैं उसमें इस चीज़ को बतौर ख़ास आपने बयान किया। अभी जिस आजमाइश से अहले पाकिस्तान और उम्मत गुज़र रही है, यानी ये लॉकडाउन और सारे शोबों का, यानी सिर्फ मसाजिद, मदारिस, मज़ारात ये ही नहीं, मंडियां, कारोबार, जो कुछ भी जिस लिहाज से भी बंद किया गया, ये जिस बेस पे बंद किया गया वो बेस गैर शरी बेस थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बिल्कुल मुतसादिम थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्ज़ों में इसको रद्द किया था जिस को बेस बना के सारे लोगों का कारोबार का नुकसान, दूसरे नुकसान, ईमान का, नमाजों का, और ये यानी इस हद तक आगे क्या होगा जब सफ़े ही सलामत नहीं रही। पूछा जाता है क्या नमाज पढ़ी गई, कहते नहीं नहीं अभी तो सिर्फ सफ़े बनी हैं। सफ़े बनेगी तो आगे फिर सिलसिला शुरू होगा और दुश्मन ने मुसलमान की सफ़े ही खराब कर दी, आगे क्या रहेगा। सफ़े और जिस वजह से की वो वजह ही इस्लाम नहीं मानता, वो वजह ही शरीयत में नाजायज है। और इसमें हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुझे याद आ रहा है। आप मदायन के गवर्नर थे, बैठे थे, गैर मुल्की वफद आया हुआ था, चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी कलिमात में फरमाया था अजीजुल वफदा, कि मेरे सहाबा डेलीगेशन जायज़ रखना, यानी तुम्हारे वफूद दूसरे ममालिक में जाएं, दूसरों के तुम्हारे पास आएं, इस तरह उनसे बाइकाट ना करना कि वफूद की ही मुलाकात ना हो, बाकी जो एहतियात है वो सब अपनी जगह। अजीज़ुल वफदा ये आखिरी कलेमात जो है उनमें भी मौजूद है। तो गैर मुल्की वफद आया हुआ था, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु खाना खा रहे थे, वो मेहमान भी साथ खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, जो चूँकि सफारत का अमला इसकी खसूसी अहकाम है। तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लुकमा नीचे दस्तरखान पे गिर गया, तो आपने उसको झाड़ा और फिर अपने मुंह में रख लिया। तो साथ ही आपके जो खादिम बैठा था तो उसने आपके कान में कहा, क्योंकि मेहमान भी तो साथ ही बैठे हुए थे, तो कान में कहा कि हजरत कुछ ख्याल करो, ये लोग पराए हैं और ये हर चीज़ नोट करते हैं, तो ये कहेंगे कि मुसलमानों का गवर्नर भी इतना भूखा है कि गिरा हुआ लुकमा भी नहीं छोड़ता। ये कान में आहिस्ता से कहा तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर से कहा, का अत्रुकु सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन अहमकों के लिए सरकार की सुन्नत छोड़ दूं। यानी ये जो ड्रावा है कि ट्रंप ने कहा है, फला ने कहा है, WHO ने कहा है, उसने कहा है सोशल डिस्टेंस करो, ये करो, वो करो, हजरत सलमान फारसी ने कहा ये तो अहमक लोग हैं, इनका क्या है। अत्रुकु सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, आज सहाबा में से कोई जिंदा होता तो फरमाते इन पागलों के लिए हम अपनी सफे खराब कर ले, इन पागलों के कहने पर हम अपनी सफों का नबवी तरीका खराब कर लें, कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरिश्तों की मुमासलत वाला सफ का तरीका दिया है।